हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ग्राम स्तर पे जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके बारे में। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमारे संविधान में 73 संविधान संशोधन हुआ 1992 को, उसके बाद क्या हुआ, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक मान्यता दे दिया गया है। और जो गांवों में जो पंचायती राज व्यवस्था होता है इसका मेनली 3 स्तर होता है, यानी 3 लेवल होता है, यानी गांवों के लिए ग्राम पंचायत और आपका ब्लॉक के लिए पंचायत समिति। और जिला के लिए जिला परिषद। तो हम समझ गए कि 3 लेवल होता है, गांवों के लिए ग्राम पंचायत, आपका ब्लॉक के लिए पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए, मतलब जिला के लिए जिला परिषद। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है। आपको दिख रहा होगा पंचायती राज व्यवस्था, आखिर ये पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज का मतलब होता है कि पंचायत स्तर यानी गांव स्तर पे जो शासन होगा वो गांव के द्वारा होगा, यानी गांव के जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, उनपे शासन करेगा। और जो जनप्रतिनिधि होंगे वे गांव के द्वारा चुने होंगे 5 सालों के लिए। तो मतलब हम समझ गए कि गांवों में जो शासन होता है वह गांव के लोगों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत हुआ था वह आपका 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, राजस्थान का अलवर जिला में, यानी सॉरी नागौर जिला में, वहां सबसे पहले शुरुआत हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में। और उसके लिए एक समिति भी बना था, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने ये सिफारिश दिया था 3 लेवल के लिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आप समझते हैं इसे गठन कैसे होता है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, उसमें मुखिया आता है, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक और ग्राम सभा आता है। तो सबसे पहले जो मुखिया यानी पंचायत राज में जो व्यवस्था होता है, सबसे जो प्रधान होता है कौन होता है, वह मुखिया होता है। यानी मुखिया कौन है, उस पंचायत का प्रधान व्यक्ति होता है। तो इसका जो चुनाव होता है वह क्या होता है, डायरेक्ट होता है, यानी इसका चुनाव गांव के क्या करते हैं, लोग ही चुनते हैं। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, यानी 5 सालों के लिए इसका चुनाव होता है मुखिया का। और मुखिया काम क्या होता है, मुखिया काम होता है कि पंचायत स्तर पे जो भी विकास का काम होगा इनके द्वारा ही होगा, और जो ग्राम सभा का जब मीटिंग होगा तो मीटिंग का संचालन मुखिया के द्वारा ही किया जाएगा। मतलब ये हो गया मुखिया कंप्लीट, कि जो मुखिया का चुनाव 5 सालों के लिए होता है, ये गांव का प्रधान होता है और गांव के विकास में योजना कौन बनाता है, ये आपका मुखिया ही संचालन करता है। अब आया उप मुखिया। तो उप मुखिया क्या है, जब मुखिया प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उप मुखिया क्या करेगा, वह गांव का मतलब गांव का जो मीटिंग उसका संचालन करेगा। तो जो उप मुखिया है इसका भी टर्म 5 साल के लिए होता है, और इसका जो चुनाव होता है वह कौन करता है, वार्ड सदस्य, यानी जो पंचायत में जो वार्ड सदस्य क्या करते हैं, वह आपके उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ठीक है, यानी इसका जो चुनाव हो गया आपका इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि हमने जिनको चुना उन्होंने क्या किया, अपने पंचायत में उप मुखिया का चुनाव किया। क्लियर। अब आए वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य का चुनाव क्या होता है, 5 सालों के लिए होता है, ये भी डायरेक्ट चुने जाते हैं। तो वार्ड सदस्य क्या करते हैं, तो वार्ड सदस्य का काम होता है कि अपने वार्ड में जो भी विकास की जो भी काम है, ठीक है, उस विकास का कामों को लिस्ट बनाना और मुखिया को सौंपना, ताकि मुखिया फंड जारी करेगा और ये लोग अपने वार्ड में विकास के काम करेंगे। तो ये जो वार्ड सदस्य होते हैं ये क्या होते हैं, जो एक पंचायत है, मानते क्या है, कोई पंचायत है, तो पंचायत बहुत बड़ा, लगभग वहां मानते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन है। अब क्या करते हैं, इसे लगभग क्या करेंगे, हम लोग 20 वार्ड में डिवाइड कर देंगे, 20 वार्ड में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो मतलब एक पंचायत क्या है, एक पंचायत 20 वार्ड हो सकता है, उससे कम, उससे अधिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार वार्ड क्या होता है, एक तरह से बढ़ते जैसे जनसंख्या के आधार पर बनाया जाता है, ताकि पंचायत स्तर पर विकास के कामों को अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब आए पंचायत सेवक। पंचायत सेवक क्या होता है, ये जो पंचायत सेवक होता है ये जनता द्वारा चुना नहीं जाता है, इसे जो राज्य सरकार का करता है, राज्य सरकार इसको चुनता है, ताकि एक मतलब पंचायत में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी ये सचिव होता है। ठीक है, यानी गांव में जो भी मीटिंग होता है, मीटिंग इसके द्वारा ही संचालन किया जाता है। मतलब ये मतलब पंचायत में मतलब हर 6 मंथ 2 मंथ में
दो मंथ या 6 मंथ में क्या करता है, वहां आपका मीटिंग का संचालन करता है ताकि किस प्रकार से काम किया जा रहा है उन काम के बारे में ये जानकारी रखता है। ये हो गया। अब जो ग्राम सभा, ये ग्राम सभा क्या है, ये आपका पंचायत का विधायिका है, यानी ग्राम सभा क्या, ये आपका ग्राम सभा पंचायत का विधायिका है, यानी यहाँ क्या होता है, यहाँ कानून बनता है, यानी पंचायत स्तर पे किन किन कामों को करना है, तो कामों करने के लिए क्या होता है, वहाँ एक मीटिंग होता है और मीटिंग का संचालन मुखिया करता है, ठीक है, जिसमें पंचायत सचिव भी होता है, और क्या होता है कि पंचायत में किन किन कामों को लागू करना है ताकि लोगों के लिए विकास के लिए लाभदायक हो, ठीक है, और वहाँ के लोग क्या करते हैं, योजना के बारे में बताते हैं, लोग इनका संचालन करते हैं अपने पंचायत में। यानी ग्राम सभा क्या, एक विधायिका होता है और ग्राम सभा का सदस्य कोई बन सकता है जिसका आपका उम्र 18+ होना चाहिए, यो ग्राम सभा में शामिल हो सकता है, वो अपना विचार को प्रकट कर ताकि उसके द्वारा मुखिया इनका कामों को कर सकते हैं। तो मतलब हम समझ गए कि ग्राम स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था कैसे होता है, मुखिया, उपमुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक और ग्राम सभा, ये सब क्या है, ये सब आपका पंचायत के ही लोग होते हैं, लेकिन पंचायत सेवक क्या, तो ये राज्य सरकार द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति होता है जो एक राज्य सरकार का एक नौकर होता है, जो क्या करता है, जो मतलब कामों को संचालन पे नजर रखता है कि वो काम किस प्रकार हो रहा है, और वह उन पे नजर रख के वह लोगों के विकास के लिए योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।